हम करने वाले हैं पार्ट टू ऑफ लूप बैंड एक्सरसाइजेस। हाँ, हमारा होलिस्टिक न्यूट्रिशन मेड इजी प्रोग्राम में अब चालू हुआ है रेजिस्टेंस बैंड ट्रेनिंग, क्योंकि हमें हमारा बीएमआर हाई रखना है और मसल परसेंटेज को बढ़ाना है, और वो दोनों भी टारगेट्स हमारे पूरे होते हैं बाय यूजिंग लूप बैंड एक्सरसाइजेस, जो हमारे पोस्चरल ट्रेनिंग के लिए भी बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। तो ये छोटा सा बैंड है ना, आपके घर में होना ही चाहिए। सो दिस इज लूप बैंड एक्सरसाइजेस, मेक श्योर यू हैव इट। और अभी तक अगर आप लेकर नहीं आए हो, गो एंड गेट इट, यू आर मिसिंग आउट ऑन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स दैट यू नीड इन लाइफ। ओके, तो मेक श्योर यू हैव इट। आपने हमारा प्रीवियस वीडियो जरूर देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो देखिए, उसमें हमने लोअर बॉडी ट्रेनिंग किया है और अब हम बहुत इंपॉर्टेंट पोस्चरल मसल एक्सरसाइज आज बैंड के साथ सीखने वाले हैं। ओके, तो इसको कैसे करना है, आपको बैंड को, लूप को, आपको पैर के पंजे के पीछे से लेना है, ऐसे अटकाना है, बट ऊपर की तरफ ही, बहुत नीचे नहीं, ऊपर रहने दीजिए। वंस यू पुट इट, आप ऊंचे हो जाइए, सीधा बैठिए, कीप अ नाइस स्माइल ऑन योर फेस, लुक स्ट्रेट अहेड, और आपको सिर्फ सिंपल एक्सरसाइज करना है। एक पैर आपका ऊपर है, दूसरा पैर आप नीचे रखिएगा जमीन पे, वो आपके लिए अच्छा है। देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ दूसरा पैर कैसे रहेगा। यस, इस तरह दूसरा पैर जमीन पे रहेगा और एक पैर आपका ऊपर रहेगा ऐसे एज पे। दिस इज द बेस्ट वे टू डू योर एक्सरसाइज। वंस यू टेक द पोजिशन, जस्ट सिट रिलैक्स्ड बट टॉल, टमी टक्ड इन, और फूंक मारते हुए, जैसे आप चाय पे मारते हो, एकदम प्यार से आपको हाथों को पीछे लेना। पहले शोल्डर पोजिशन करेक्ट कर लीजिए, कंधे थोड़े पीछे, और फिर आपको हाथों को पीछे लेके जाना है। आपका दोनों रिस्ट न्यूट्रल रहेगा, दोनों मनगट न्यूट्रल रहेंगे, और सीधा पीछे जाइएगा, जितना आप जा सकते हो उतना ही जाइए। अगर करते हुए आपको बैक में पेन आता है, रुक जाइए, कुछ गलत हो रहा है। आपको सिर्फ कंधे के पीछे, आपके दोनों शोल्डर्स के बीच में आपको मसल्स का वर्क महसूस होगा कि स्नायु काम कर रहे हैं। That is the right way to do it. और कहीं पे भी पेन आता है, आपको रुक जाना। ओके, अब आप पीछे लेके जाइए जितना जा सकते हो, वेरी गुड, और फिर उसके बाद धीरे से आधा रिलीज कीजिएगा, एकदम प्यार से, जैसे आप एक दिन के बेबी को हैंडल करते हो वैसे धीरे से थोड़ा रिलीज करना है, फिर वहीं से वापस पीछे लेके आना है जहां पर आप थे। ओके, आपको उल्टा वी बनाना है, दोनों आपके जो आर्म्स है वो बॉडी के जितने पास रहेंगे उतना अच्छा। ओके, और आपको बैक से पीछे नहीं जाना है, आपका जो बैक है वो सीधा जगह पे ही रहेगा। ओके, सो जस्ट रिमेम्बर दैट। और दूसरा वेरिएशन आप क्या कर सकते हो, आप पीछे लेके जाइए और 5 बार सांस अंदर लेके छोड़ने तक आप हाथ को पीछे ही रखिए, और फिर उसके बाद आप धीरे धीरे रिलीज कीजिए। इस तरह आप 5 से 10 रेपिटेशन सिर्फ अगर रोज करोगे तो आपका पोस्चर बहुत बेहतर रहेगा, आप लंबी सांस लाइफ लॉन्ग ले पाओगे, क्योंकि आगे झुकने से आपका ब्रीदिंग कैपेसिटी भी कम होता है, लंग कैपेसिटी कम होता है। तो इट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेन टॉल इन लाइफ, यू लुक गुड ऑल्सो, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस एक्सरसाइज, मेक श्योर यू डू इट एवरी सिंगल डे, please start with 1 to 2 repetitions please, and take it to 10 repetitions once daily. Okay, so promise me you will do it and start doing it. अगर कुछ भी करने में आपको तकलीफ हो रही है, कोई concern है, कोई specific advice चाहिए, you can always put in the comment box, we will help you, या leave a WhatsApp message, we'll try to support you as early as possible. So start doing it now. इसमें क्या क्या गलतियां हो सकती है ये भी हम बता रहे हैं आपको। या तो आपका रिस्ट जो है वो ऊपर नीचे जा सकता है, आपका जो मनगट है वो न्यूट्रल होना चाहिए, ऐसे नीचे या ऊपर नहीं होना चाहिए। सो दिस इज वन मिस्टेक दैट वी डू, सो कीप योर रिस्ट न्यूट्रल। ओके, दूसरा क्या गलती हो सकती है कि आप पीठ से झुक सकते हो, पीठ से झुकना नहीं है, झुक के नहीं करना है आपको, आपको सीधा टॉल रह के करना है,
और क्या मिस्टेक हो सकती है? आप गर्दन से झुक सकते हो, आप पैर आप बैंड की तरफ देखने जाओगे और गर्दन झुका के हाथ खींचोगे तो भी यू कैन ट्रिगर योर नेक मसल्स। और क्या गलती हो सकती है? आप हाथ बॉडी के पास नहीं रख के हाथों में गैप करके पीछे खींच सकते हो, आपको वो भी नहीं करना है। आपको हाथ साइड में जितना क्लोज रख सकते हो ऐसा क्लोज रख के पीछे खींचना है और उल्टा वी बनाना है, या तो फिर आप पूरी पीठ पीछे लेके जा सकते हो करते वक्त, ये भी गलती है। ओके, सो रिमेम्बर दिस 4-5 टिप्स व्हाइल यू डू इट एंड स्टार्ट इट, स्टार्ट स्मॉल एंड इट विल डेफिनेटली मेक अ डिफरेंस। स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस एवरी डे लीड्स टू बिग रिजल्ट्स, सो इट इज विजडम टू डू इट। अगर आप डे टू डे जो भी एज रिलेटेड तकलीफें होती है उसे बचना चाहते हो तो मेक श्योर ये लूप को आप आपकी जिंदगी का हिस्सा बना लो। हमारे पास भी लूप्स अवेलेबल है, आई कैन हेल्प यू विद इट। तो अगर आपको बाहर नहीं मिलता है जस्ट पुट अस अ रिक्वेस्ट एंड वी विल सेंड इट टू यू। थैंक यू सो मच। दिस इज डॉक्टर पल्लवी देशपांडे फ्रॉम एम्पावर एक्सपेंशन बीस विद दिव्या असिस्टिंग मी। So Divya, you can just wave hello to everyone and thank you Divya for supporting. Divya is our team member and she is supporting us today. Thanks a lot. Thank you to each one of you for watching this video. Thank you.